हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये ज़ारा की तरफ से टोबैको कलेक्शन आता है, रिच वॉर्म एडिक्टिव। ये रिच वॉर्म एडिक्टिव है, रिच वॉर्म एडिक्टिव इंटेंस नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। तो मैं ये रिव्यू उसी का कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्जन का। इंटेंस अलग है, दोनों की बॉटल सेम लगेंगी आपको, मतलब इवन पैकेजिंग भी सेम है, कलर वगैरह भी सेम लगेगा आपको, और प्राइजिंग भी सेम है। 1200 रुपये का ये भी मिल जाता है, 1200 रुपये का वो भी मिल जाता है। बट जो अंदर का मेन है ना, जो जूस है इसके अंदर का, वो डिफरेंट है। दोनों अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देना। अब इसकी जैसे मैंने प्राइसिंग की बात की, ये 1200 रुपये का आता है, बट अगर आप इसे ज़ारा के स्टोर पे जाके लेते हो तभी ये 1200 रुपये का मिलेगा, क्योंकि ना तो ये मिंत्रा पे अवेलेबल है, ना नाइका पे, कहीं भी, मतलब अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ ज़ारा के स्टोर पे मिलता है या ज़ारा की ऑनलाइन साइट पे मिलता है, बट ज़ारा की ऑनलाइन साइट पे ये 300 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी के लेते हैं। तो 1200 रुपये और 1500 रुपये एक परफ्यूम के लिए ब्लैंड बाय करना मेरे को नहीं लगता जस्टिफाइड है, क्योंकि इसके डेकेंट्स भी नहीं मिलते ज़्यादातर, मतलब जैसे दूसरे मिडल ईस्टर्न पर क्लोन्स के डेकेंट वगैरह मिल जाते हैं, इसके इजीली नहीं मिलते। तो मेरी ये सजेशन होगी, अगर किसी को परचेज़ भी करना है, वो ज़ारा के स्टोर में जाए, वहाँ जाके स्मेल करे, स्निफ करे, देखे उसको स्मेल कैसी लग रही है, वहीं से ख़रीदे, पैसा भी बचेगा और आप समझ भी पाओगे। अब मेन बात करते हैं ये परफ्यूम के बारे में, इसकी स्मेल कैसे, इसका प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी, कौन इसको लगा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट एक बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी डीओ से परफ्यूम में शिफ्ट हो रहा है, या मतलब 90-95% लोग जो परफ्यूम की दुनिया में अभी नए आए हैं, वो भी ये बता देंगे इसको स्निफ करते ही जो इसमें से स्मेल आने वाली है ना, कोई भी बता देगा, मेरे को तो लगता है वो रम की है, रम और वेनीला का, 60% रम की और वेनीला की, 40% बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक बूजीनेस आपको स्मेल करते ही मिल जाएगी। वैसे तो इन्होंने नाम रखा है ज़ारा टोबैको कलेक्शन, बट मेरे को लगता है इनको नाम रखना चाहिए था ज़ारा रम एंड वेनीला कलेक्शन, क्योंकि इसमें जो रम और वेनीला का ब्लास्ट मिलता है वो बहुत तगड़ा मिलता है, इतना तगड़ा मिलता है कि जो दूसरे नोट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं वो निखर के ही नहीं आ पाते। मिलते तो हैं दूसरे नोट बट ना के बराबर मिलते हैं, उतने ज़्यादा निखर के नहीं आ पाते, क्योंकि ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट नोट्स हैं। अब मेन बात करते हैं स्मेल कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया रम और वेनीला का बहुत प्रोमिनेंट नोट है, जैसे आप इसको स्प्रे करोगे तो ओपनिंग में ही आपको रम, वेनीला और टोबैको का ना के बराबर नोट मिल जाता है। रम और वेनीला का नोट बहुत तगड़ा है, और जो रम का नोट है सर में दर्द करने वाला नोट नहीं है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसे वाइल्ड स्टोन विस्की था उसमें एम्ब्रोक्सिन का किक था, कोई भी लोग उसको लगाते थे, कपूर की अजीब सी खुशबू आती थी, ऐसा लगता था आपने शराब पी रखी है, इसमें वैसा नहीं है, वो सर में भी चढ़ जाता था, वो बहुत हार्ड था एक तरह से, 20 मोड़ था सर में चढ़ने वाला। किसी किसी को वो स्मेल पसंद आती है, मेरे को आती थी, पर्सनल फेवरेट भी था वो मेरा, बट इसके साथ वैसा नहीं है। इसमें जो रम डाली गई है, मतलब रम का जो एसेंस डाला गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट है, आप ओवर स्प्रे भी कर लोगे आपके सर में नहीं चढ़ेगा, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिल जाता है, वो जो कि मतलब नॉर्मल है आजकल के परफ्यूम्स में। उसके बाद रम का एक अच्छा एसेंस मिलती है, जो स्मेल मिलती है वेनीला और रम की, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस लगती है। देखो रम ओवर पावरिंग नहीं है, जो वेनीला है वो उसको मतलब संभाल लेता है, तो अच्छी चीज़ है ये, कहीं ऐसा नहीं लगेगा आप लगा के जा रहे हो कि आप रम पी के आए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे विस्की में लगता था कि हमने मतलब दारू वारू पी के विस्की पी के आए हैं, इसके साथ ऐसा नहीं लगा, अच्छी चीज़ है। जो मैंने बताया अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा 5-7 मिनट के बाद, उसके बाद ये स्मूथ हो जाता है वेनीला और रम के साथ। 15 से 20 मिनट बाद ड्राई टोबैको, मतलब सूखे तंबाकू की खुशबू मिलेगी आपको, बट वो बहुत हल्का सा हिंट है, मतलब 100 में से 15% ही इतनी स्मेल आएगी। और जो रम के नोट हैं वो 1 घंटे बाद मतलब फेड अवे हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है कि इतने लास्ट तक नहीं टिकता, बट जो वेनीला का नोट है वो ओपनिंग से लेके लास्ट तक ड्राई डाउन में पाउडरी होके रहता है, वो अच्छी चीज़ लगी। मिडल नोट में भी आपको वेनीला का टच मिलेगा, मिडल नोट पे आपको कोकोनट का भी फ्लेवर मिल जाता है, कोकोनट के हिंट्स मिलेंगे इसमें, और शहद का, हनी का बहुत अच्छा हिंट मिल जाता है, और चॉकलेट कॉफ़ी टाइप की आपको इसमें स्मेल मिल जाती है। कभी आपने चॉकलेट कॉफ़ी गरम गरम उसमें से जो स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल इसमें मिल जाती है। ये मिडल नोट कब तक रहते हैं, लास्ट का ड्राई डाउन है ना, ये मिडल नोट तक ही चीज़ें चलती हैं, बट जो चॉकलेट कॉफ़ी है वो लास्ट तक रहती है, और वेनीला का टच तो मैंने जैसे आपको बताया लास्ट में जाके ये पाउडरी हो जाता है, तो वेनीला का टच भी लास्ट में रहता है, जो कि अच्छा लगता है। लास्ट में जाके थोड़ा ही वुडी हो पाता है, जो मतलब सैंडलवुड और सेडारवुड का मतलब जो इसमें कॉम्बिनेशन है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा और वुडी होता ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये पाउडरी के साथ वुडी हो जाता, बट जितना भी है अच्छा है, मतलब लास्ट में जाके उतना ज़्यादा तो नहीं ये ड्राई डाउन अच्छा देके जाता, बट पाउडरी वेनीला टच के साथ ही मोस्ट वो ड्राई डाउन आपको देके जाएगा, बट हल्का सा वुडीनेस भी आपको मिल जाएगी। तो मेन अगर मैं इसकी
ब्लेंड की सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, इसमें से मेन आप पकड़ के चलो ये रम वेनिला, हल्का सा वुडी बेस्ड परफ्यूम है, टोबैको बेस्ड परफ्यूम नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और अच्छी बात है ये टोबैको बेस्ड परफ्यूम नहीं है, क्योंकि कुछ टोबैको बेस्ड परफ्यूम होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना सर में चढ़ जाएंगे जैसे विस्की चढ़ता, वो तो नॉर्मल था। कुछ अगर किसी ने प्रीमियम टोबैको बेस्ड परफ्यूम यूज़ करे उनको पता होगा कि उसके 3-4 स्प्रेज ही आपके सर में चढ़ जाएंगे। तो ये मार्केट तो कर रहे हैं वैसे टोबैको कलेक्शन, बिल्कुल इसके मार्केटिंग पे मत जाना, ये चीज़ अच्छी है टोबैको कलेक्शन का नहीं है, बताया जैसे मैंने रम और वेनिला कलेक्शन का है ये। तो इसे कौन लोग लगा सकते हैं, देखो ये 30 साल से जो जितने भी नीचे लोग हैं सबको पसंद आने वाली स्मेल है, टीन्स को ज़्यादा पसंद आएगी, बट हल्की बूजीनेस है, बहुत ज़्यादा बूजीनेस नहीं है, ये चीज़ भी अच्छी लगी। हर चीज़ अच्छी है। देखो ज़ारा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि जैसे मिडल ईस्टर्न जितने भी क्लोन ब्रांड है ना, मतलब डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी क्लोन हैं उनको क्या है कि थोड़ा मैच्योर करने की ज़रूरत होती है। जब भी हम लेते हैं आके अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कुछ अच्छे जैसे कर जाते हैं अफनान वगैरह के, बाकी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। बट जो ज़ारा है ना, इनका जो ब्लेंड है बहुत अच्छा ब्लेंड ये देते हैं, जितने भी परफ्यूम मैंने इनके यूज़ करे हैं ब्लेंड इनका बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने मेरे को मैच्योर करने के लिए रखना पड़ेगा, सिटिंग पे रखना पड़ेगा कबर्ड में, फिर इसको मैं यूज़ कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये आते ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बट इनमें मेन बात यही मार खा जाते हैं कि ये ओपनिंग से लेके मिडल नोट तक अच्छा रहते हैं, मतलब 2-3 घंटा उसका ड्राई डाउन में मार खा जाते हैं। तो कुछ कुछ अच्छे भी हैं इनके, जैसे इंटेंस वाइब्रेंट लेदर ऊद का नया वर्जन आया है, और इंटेंस वाइब्रेंट लेदर नया वर्जन आया वो अच्छे निकाले हैं इन्होंने, उनको कोशिश करूंगा मैं ट्राई करूं, रिव्यू करूं। वाइब्रेंट लेदर ऊद तो मैं यूज़ करता रहता हूं, उसका भी रिव्यू कर दूंगा। अब मेन इस पे आते हैं, इसका प्रोजेक्शन कैसा है। देखो ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी वाइज, इसका प्रोजेक्ट उस अकॉर्डिंग ही करता है, क्योंकि बताऊँगा क्यों, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में था तो दिल्ली के अकॉर्डिंग और मुंबई के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अभी मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में भी मैंने इसको यूज़ करा, दिल्ली में भी यूज़ करा। तो दिल्ली में देखो इसका प्रोजेक्शन मेरे को 8-10 स्प्रेज में इजीली 1 आवर 45 मिनट से लेके 2 घंटे तक इसने मेरे को एक अच्छा प्रोजेक्शन दिया। 2 फीट तक प्रोजेक्ट कर रहा था, क्योंकि दिल्ली में मुंबई के अकॉर्डिंग 3-4 गुना ज़्यादा ठंड पड़ती है, मुंबई में भी हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई है, बट 8-10 स्प्रेज में उसने मेरे को वहाँ प्रोजेक्शन दी। स्किन पे लॉन्जिविटी इसकी 4.5 से 5 घंटा थी, जो कि ठीक है ज़ारा के अकॉर्डिंग, EDT है ये, वैसे EDP नहीं है। और कपड़ों पे अच्छा मेरे 10-11 घंटे ये लास्ट कर गया, और इवन अगले दिन तक मेरे को स्मेल आ रही थी शर्ट्स में से। अब मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में मेरे को इसके 12-13 स्प्रेज लगाने पड़ गए, और प्रोजेक्शन थोड़ा 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट ही था, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 घंटा स्ट्रेच कर पाया, वो भी इवनिंग में ही लगाना है इसको, डे के लिए नहीं है बिल्कुल भी ये। और स्किन पे 3.5 से 4 घंटे में ये फेड अवे हो गया, जो कि होना ही था, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और कपड़ों पे मेरे को लगता है 6 घंटे ये स्ट्रेच कर गया था, 6-7 घंटे, जो कि अच्छी चीज़ है ज़ारा के अकॉर्डिंग, इतना बुरा निराश नहीं किया। तो जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, और मुंबई में भी अगर कोई रहता है जहाँ हल्की फुल्की ठंड पड़ती है, मेरे को लगता है कि नवंबर से लेके फेब तक इसको पूरा यूज़ करा जा सकता है। सिर्फ शाम के टाइम या एसी एनवायरनमेंट है, जो गर्म जगह में रहते हैं वो तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर देना, उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ नहीं बनी है भाई, आप बिल्कुल ये अवॉइड करना आपके लिए नहीं है, सिर्फ ठंड के लिए है। और कौन से ओकेजन पे लगा, ठंड में आप विंटर इवनिंग में कैजुअली, डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेट्स के लिए मेरे को लगता है वन ऑफ द अफनान 9 PM रम सिल्वर उसी रेंज में आता है, तो ये बेटर ऑप्शन है डेट्स पे, अगर आप मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं लगा के जा सकते हैं, कैजुअली लगा सकते हैं, तो मतलब डिनर वगैरह पे भी विंटर्स में लगा सकते हैं। एक अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल नहीं है, ऐसा मत सोचना कि रम है तो बहुत ज़्यादा आपको बूजीनेस वगैरह, हल्की बूजीनेस है, बट जो वेनीला का नोट है, मैंने कहा ना बेसिकली ये वेनीला और रम बेस्ड है, वेनीला का जो नोट है वो सब कुछ संभाल लेता है, तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। अगर मेरे को इसको रेट करना होगा 10 में से मैं 8 रेट करूँगा, प्राइस को जस्टिफाई तो करता है, बट अगर इसे लेना है तो स्टोर में जाके ही लेना। मैंने इसका एटमाइज़र आपको नहीं दिखाया, एक बार एटमाइज़र दिखा देता हूँ, डिसेंट है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा है। मेन बात होती है इसका जूस कैसा है, इसका जूस मेरे को अच्छा लगा। आपको भी अगर ट्राई करना है ज़ारा के स्टोर पे जाइए, ट्राई करें, डेट्स के लिए चाहिए, जैसे रम सिल्वर 9 PM कैटेगरी में आते हैं वो तो चलो बीस्ट मोड है, बट ये मॉडरेट वर्जन समझ लेना, डेट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो टीन्स हैं, मतलब 25 साल से नीचे जितने भी लड़के हैं, और ये यूनिसेक्स है, लड़कियों पे भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर कोई गर्ल इसे यूज़ करना चाहती है वो भी इसे यूज़ कर सकती है, बहुत अच्छा है। वेनिला का ड्राई डाउन है, तो गर्ल्स भी लड़कियाँ भी इसको लगा सकती हैं, तो बहुत बेटर लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कोशिश करूँगा बेस्ट परफ्यूम फॉर विंटर्स नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा वो ले आऊँ, कुछ और भी प्लान कर रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।